पोस्को गला जिंदल आसिला कंस्ट्रक्शन पाई सर्भे करुछि कंपनी माटी परीक्षा स मापचुप करुछि जहाकु नै विरोध मुंड टेकिलाणी पारादीपर ढिंकिया गडकुजंग ओ नुआगा अंचल रे जिंदल कु नै तेजी छि असंतोष साउथ कोरिया कंपनी पोस्को कु नै पारादीप रे मुंड टेकिथिला विवाद जीविका हरैथिले अनेक मुंड बिगड़ा बहु बाद विवाद परे 2013 ओहरीगला पोस्को धीरे धीरे स्वाभाविक होते पारादीपर ढिंकिया गड़कुजंग और नुआगावासी हेले 6 वर्ष पर पुणी सामना को आसी समान चित्र पोस्को पारादीप निकट में अधिग्रहण होता जमीन जेएसपीएल इस्पात कारखाना कर कारखाना चली सर्भे माटी परीक्षा सह मापचुप करीव्र विरोध कर अंचलवासी स्थानीय लोकों सह आलोचना नक कंपानी मनमानी कर पोस्को कंपानी एत रक्तपात पर लड़ई पर पोस्को कंपानी प्रत्याहर है ये सरकार डाकि आनी पुणी से जगह को जिंदल जिते डाकि आनी लोक बेड़ी उपर कोरोड़ा माड़ आज लोक मैंने अर्थनैतिक सुदृढ़ हो पारिना आज पान बरज भांगी लोक एपर्तंत कौन विकल्प पाईना लोक मैंने आय जा कंपानी बाहर गाँव में दादन खटुचारमती आगुरी गणतंत्र उपाय विरोध कर बुझाणा करना जेहेतु ये आस गए कम आरंभ कर अगणतांत्रिक तेणु जहाँ सरकार कर गणतंत्र उपाय कर किसी दिन तले गोविंदपुर में माटी परीक्षा होता समय जोरदार विरोध जो अधरू काम छाड़ पलते जेएसपीएल कंपनी अधिकारी गत रविवार भी कंपनी पक्ष नुआगा जंगल में चली जीपीएस सर्भे विरोध जो अधरू बंद होता एबे पुणी गड़कुजंग नोड़िया साहि रे माटी परीक्षा काम आरंभ हो तेबे जमी पोस्को को विरोध कर जिंदल को भी पुरे दिया स्थानीय लोके आम खाली शुणुचु जे जिंदल कंपानी रोच प्राय 25-30 दिन हम है कम हाँ भिटामाटी हर पान बर्ज काजू बगिचा विभिन्न दिगरे लोक मैंने क्षति सही जे भी जगह दिया हावनि तेणु ओडिशा सरकार जदि जिंदल कंपनी की एटी पुणी जगह देवाई चेष्टा करती तेणु ताकू दृढ़ भाव में विरोध कराव ढिंकिया पंचायत तरफ एवं आम शुणुचु नुआगाम पंचायत वर्तमान से काम आरंभ कर नोलिया साहि से गोटे कौन तैयारी करी भितर से परीक्षा करने आम खबर नहीं सारे आज भी आम आलोचना होती आम दिने दु दिन भितर नुआगाम वाला सहित गड़कुजंग वाला सहित आलोचना कर दृढ़ भाव आमे विरोध करू पोस्को अनेक समस्या मुंड टेकिला पंचायतवासी पान बरज भांगी रोजगार छड़े नहीं कंपनी एवं पुणी जिंदल आसी तेणु आतंकित अंचलवासी केतेबेले कौन कर बसवे कही एभली स्थित उभय कंपनी और अंचलवासी सुरक्षा नहीं प्रश्न उठा स्वाभाविक पारादीपुर ज्ञानेन्द्र महांती न्यूज 7।